Everyone hold the book. Everyone hold the book. Great Tara Singh, great Indian Thank wrestler. You. We are launching a comic book. Launch of the comic book. The great Tara Singh. We have with us Mr. Bindu Tara Singh, Mr. Naveed Jaffrey. On this launch, the great Tara Singh, the great Indian wrestler. Dara Aga Ji, who are here, part of this amazing comic book launch event. Okay, cool competition ho jaye. Kaun hai? Okay, baithak competition. Pehlwani hai. Baithak, kaun marega? Aa jao mere saath mein. Okay, ek baithak competition ho jaye. बेटे आपके पापा क्या करते हैं? बोलते मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार, ये जो बोलने जा रहा हूं इसमें तो जरूर नौजवान खुश हो जाएंगे। प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। हालांकि हम कोई खत लिखते नहीं। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। सो यहाँ सारे सुपरमैन बड़े बड़े काउंटर्स यहाँ पर लगे हैं इंटरनेशनल, लेकिन मैं एक देसी बात बताऊं अपने हिंदुस्तान की। आप सबको पता है वैसे, लेकिन जहां तक आवाज जा रही है मेरी, मैं उनको बताऊं, सुपरमैन बैटमैन ये तो सब हुए हैं बाहर के, लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने क्या दिया है? हिंदुस्तान का अपना, इंडिया का अपना, जिसने जन्म हिंदुस्तान में लिया, जीता जागता सुपरमैन, और हिंदुस्तान के पंजाब के अमृतसर में जन्म लिया और दुनिया के तमाम रेसलर्स को, पहलवानों को पछाड़ा, चित किया। मैं जब नाम लूंगा आप सब जानते हैं, और बड़े गर्व के साथ और शान के साथ मैं नाम ले रहा हूं। ये कोई फिक्शन करेक्टर नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है, कोई क्रिएट नहीं किया गया है, वो है अपने हिंदुस्तान के अपने ओन दारा सिंह जी। दारा सिंह रंधावा है कि नहीं? ये मान जाए तो बड़ी बात है, सही बोला ना मैंने? वाह वाह वाह। सो लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे साथ चलते फिरते जोक हो जाते हैं। अभी मैं गाड़ी से उतरा, एक आदमी आया, मैं बड़ा खुश हो गया मिलने के लिए। बोले हेलो, अरे आपने टीवी बहुत देखा है, जिंदा पहली बार देखा है? तो मैं समझ गया, हो सकता है वो लाइव कहना चाह रहा होगा। आपने मान लिया भाई लाइव लाइव कह रहा होगा। दारा सिंह साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, हीरो रहे, बहुत बड़े रेसलर रहे, दुनिया के तमाम पहलवानों को उन्होंने चित किया, इससे मुझे याद आ गया मैं भी जिम जाता हूँ।
पक्का पक्का मैं जिम जाता हूँ, बुरा नहीं मानना, जिम में चला जाऊंगा। अच्छा जिम में मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम जाएगा ना जिम, जैसे ही ज्वाइन करता है पेमेंट करता है उसको फर्स्ट यही लगता है आज जिम को लूट लो, आज पैसे वसूल लो। अंदर घुसते एक ट्रेनर को बुलाएगा, अरे ओ अरे वो जो कर रहे हैं ना उसके जैसा मेरे को थाई मांगता है, हो जाएगा ये मैं करके देगा, ये मैं करके देगा। वन ईयर तेरे को रेगुलर आना पड़ेगा, हाँ रेगुलर आएगा ना, टाइम पे आएगा, डिसिप्लिन आएगा, ऐसा थाई करके देगा। अच्छा वो जो है ना उसके उधर खड़ा ना चुकरा उसकी तरह मेरे को बाइसेप मांगता है, बाइसेप ये मैं करके देगा। 9 मंथ आएगा ना बराबर मेरे हिसाब से डाइट वाइट लेगा ना, ऐसा करके देगा। अच्छा वो जो कर रहे हैं ना वो उसके जैसे मेरे को चेस्ट मांगता है, चेस्ट ये जन्म में नहीं होएगा, वो छोकरा नहीं छोकरी है। सो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि भाई साहब मैं आया हूँ एक फ्लाइट से, वो वह तो अपनी फ्लाइट है, इंडिया की फ्लाइट है भाई साहब, लेकिन सच्चाई भी बताना चाहिए, मैं एयर इंडिया से आया हूँ, एयर इंडिया से आया हूँ, पूरी बात कुछ नहीं है अपनी एयरलाइंस है, लेकिन भाई साहब ये भी सच्चाई है कि दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर ही नहीं होनी, जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा, जरा सा लेट हो जाओ एयर हॉस्टेस बोलती है ये भाई आने का टाइम, माँ झपड़ खींच के कह रह गया था पायलट तुमको ढूंढने गया है। इनको प्राइवेट एयरलाइन से सीखना चाहिए, प्राइवेट एयरलाइंस में आप एंट्री करिए, बोर्ड होइए, जो वेलकम होता है गेट पे खड़ी होगी, कहाँ रह गए थे हम लोग, कितने परेशान हो गए थे, नो प्रॉब्लम फॉलो मी, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोले था सुनीता पकड़ ही तो होते रहते हैं। एक बार मुझे अच्छा जापानी लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, हम लोग शो के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, जो जापानी लोग होते हैं फ्लाइट में मैंने देखा ये हर छोटी सी बात ऐसा रिएक्ट करते हैं कि लगता है उन्होंने शायद आपकी पॉकेट में बम देख लिया। मुझे सिंपली वाटर चाहिए था, मैंने पानी मांगा, टंग टंग घंटी बजाई, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर, वाटर यू वांट वाटर सर, यू वांट वाटर, यू वांट जस्ट नाउ वाटर, लेटर वाटर, वाटर। हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ निर्जल। सबसे ज्यादा मैंने परेशान उस शख्स को देखा है जिसकी सीट फ्लाइट में पड़ जाती है वॉशरूम के सामने, इंटरनेशनल फ्लाइट में वॉशरूम के सामने फ्लाइट, उसका थोड़ा नींद आएगा आंख लगा वॉशरूम से फ्लश का आवाज आएगा ये जाग जाता है, कोई धो रहा है, 5 मिनट वेट किया कोई निकले नहीं, खुद ही बोलता है पैंट पहनने में इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा कभी खाने का ऑर्डर लेने आते ही मालूम कैसे आएंगे, लाड़ में पैसेंजर के मुंह में झुक जाएंगे पूरा, व्हाट यू प्रेफर वेज और नॉन वेज, अब इधर वाले को तो अच्छा लग रहा है उधर वाला टेंशन में, उधर वाले का फेस ऐसा रखता है ऐसा रखता है, क्या कहती हूँ डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी, इससे पूछती यू वेज और नॉन वेज, अभी समझा नहीं कह रहे सब कुशल मंगल है, नो नो आई बीन योर शाकाहारी मांसाहारी बिहारी बिहारी। दोस्तों आज मैंने शोज बहुत सारे किए होंगे, इवेंट्स किए होंगे, आपने टीवी पे देखा होगा, लेकिन आज मुझे यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है और उस सुपरमैन के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई, उनका आशीर्वाद भी मिला और उनके ऊपर ये जो कॉमिक बुक आज रिलीज हुई है, हमें लगता है जितने भी काउंटर्स हैं सब होंगे अपनी, लेकिन ये कैरेक्टर हमारा अपना है, अपनी कंट्री का, हमें वो प्यार और वो सम्मान देना चाहिए। दारा सिंह रंधावा के इस कार्यक्रम को, इस प्रांगण को, दोस्तों दारा सिंह जी 1928 में बॉर्न हुए थे पंजाब में, 1928 में बॉर्न हुए थे, उनका पूरा नाम था मतलब है दारा सिंह रंधावा,
रंधावा को अगर मैं तोड़ के बताऊं, रण, रण मीन्स युद्ध, रण मीन्स युद्ध, धावा, धावा मीन्स सिपाही, सोल्जर, जिनके नाम में ही था, सिपाही की तरह युद्ध करना, सोल्जर की तरह युद्ध करना, और उन्होंने कर दिखाया उस जमाने में जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना सपोर्ट नहीं था, और इस स्पोर्ट्स को उस तरह से लोग इंडिया में जानते नहीं थे। उस समय उन्होंने वर्ल्ड के तमाम रेसलर्स को हराया। बहुत उनकी छोटी सी एक स्टोरी है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए किसान, 4-5 साल की उम्र में खेती में हाथ बटाने लगे पापा का, बहुत स्ट्रगल किया, भूखे रहे, परेशान रहे, खेती कम थी, हार के परेशान होके जब वो 20 ईयर्स के हुए, इतनी छोटी एज में सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर में मजदूरी की और किसी तरह से अपने आप को संभालते रहे, तैयार करते रहे, और वो दारा सिंह हिंदुस्तान में बना, हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ, पूरी दुनिया ने उसे जाना दारा सिंह रंधावा। तो आज दारा सिंह के चाहने वाले यहाँ पर जमा हुए हैं, उनके फैंस जमा हुए हैं, इसमें से कोई भी आउटसाइडर नहीं है, जो दारा सिंह को दिलो जान से चाहता है वो यहाँ पर आए हैं एक उनको सम्मान करने के लिए। सबसे पहले मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ ही हैं, टीवी की एक अच्छी सेलिब्रिटी है, पर्सनालिटी है, डांस की दुनिया में ये दोनों भाइयों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जावेद जाफरी और नावेद उनके छोटे भाई, इनका प्रोग्राम आप लोगों ने इतना सराहा, इतना पसंद किया, बुगी बुगी सोनी चैनल पे आता था, और ये भी एक बहुत बड़े कॉमेडियन के बेटे हैं, जो बच्चे नहीं जानते, जगदीप एक कॉमेडियन हमारे बॉलीवुड में हुए हैं, उनके साहबजादे हैं, जावेद जाफरी भाई हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, आप भी वही तालियों से इन्हें नवाजें, प्यार दें अपना। नावेद, नावेद और जोरदार, ये नावेद मेरा यार सिर्फ दारा जी की मोहब्बत में यहां पर पहुंचा है, और ये बताने के लिए कि हम सब दारा जी को कितना प्यार करते हैं, कितना उन पे कमेंट करते हैं, कितना गर्व करते हैं, मैं चाहता हूं नावेद दो अल्फाज जरूर बोले अपने फैंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर टू दिस कॉमिक कॉन, इट नो इट हैपेंड इन बॉम्बे। I'm a big fan of comics, Superman, Batman, and all these Spider-Man characters. I've been reading all these comics, and it's so nice to be here. But we are here for a reason, and the reason is Dara Singh uncle. We have known him as we were kids, and we have actually seen him. He's a gentleman and a name, Rustam e Hind, and he's created a name in all over the world. 14 consecutive years he remained world champion, and we didn't know at that time because we were kids. Then we grew up and slowly realized what a man he was, and the respect, and his son Bindu is a very dear friend of ours, and I'm here for him and Dara uncle. So all the best, and thank you so much. Thank you, Naveen. और ये दारा जी के भाई के बेटे हैं, उनके घर वाले आ गए हैं, शाद के लिए तालियां बजाइए। ये वो लोग नहीं है जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, आपके अपने हैं, इन्होंने जन्म हिंदुस्तान में लिया और ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। शायद मैं चाहूँगा बहुत प्यारे प्यारे लोगों के सामने आपको कुछ बोलना चाहिए। जी नमस्कार, थैंक यू ऑल वेरी मच कि आप लोग यहाँ पर आए। दारा जी के बारे में क्या कहूँ, लेजेंड, जितनी बड़ी हस्ती थे वो उससे कई ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उनसे बेटर ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मैंने एक बार उनसे पूछा था कि मैं उन्हें प्यार से बड़ा डैडी बोलता था, तो मैंने एक दिन उन्हें उनसे बड़े प्यार से पूछा कि बड़ा डैडी क्या आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हो जैसे सब कहते हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं बेटा, फिज़िकली तो मेरे से ज़्यादा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो अंदर से आती है, इट्स योर इंटरनल स्ट्रेंथ, इट्स योर परसिवियरेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन,
और फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि अगर आपको सच्ची में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान दुनिया में बनना है तो सबसे अच्छा इंसान है, अगर आपने वो कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। सो वही सीख हमें मिली है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड बिंदु भाई ने जो कॉमिक लॉन्च किया है, आई थिंक बड़ा रेडी जैसे इंसान इस देश के रियल सुपर हीरोज़ हैं, जो बहुत हम्बल बिगनिंग से आए थे और एक अपना मकाम किया है। तो होपफुली इट इंस्पायर लॉट ऑफ यंग किड्स। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू राजा। थैंक यू शाह। और बहुत ज़बरदस्त ठंड, इतनी कोल्ड, हम लोग कांप रहे थे। तो मैंने दादाजी से कहा, दादाजी ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है। बोले, ओ मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मेरे कान में धीरे से बोले, लेकिन ठंडी लगती है। So, अब मैं उन्हीं की एक और फैन, एक और सेलिब्रिटी को आवाज दे रहा हूँ, जिन्होंने प्लेबैक किया, हिंदुस्तान में प्लेबैक किया, विदेशों में भी प्लेबैक किया, और इनका एक नगमा तो ऐसा छा गया निकाह फिल्म से, दिल के अरमां आंसू में बह गए, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। हम पहले उनको बुलाने से पहले मैं उनको थैंक यू कर रहा हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के आई है। तालियों के बीच सलमा आगा, जोरदार से जब तक आए तब तक तालियां बजती रहे। थैंक यू सलमा जी, इस खास मौके पर आई। हम सब जानते हैं कि आप भी दादाजी की बहुत इज्जत करती थी, तो मैं चाहूंगा दो शब्द आज उनकी कॉमिक रिलीज पर। ये आज एक ऐसा ओकेजन है जिस पे पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है, और बिंदु जी को आज देख के हाउ हैप्पी ही इज लिविंग हिज फादर्स फेम लव दैट ही हैड गिवन पीपल, and he has a great burden on his shoulders to carry his father's name, and this is great to see aaj jo unke liye kiya ja raha hai iske wo mustahiq hai, sari duniya janti hai, ek chote se village se ek masoom sa ladka jisne hindustan ka naam itna roshan kiya ki hindustan unke naam se jana jata tha in the world of wrestling and bollywood of course। सो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू कॉल बिंदु जी ऑन स्टेज। एंड बिंदु दादाजी के बेटे, दादाजी के सन यहाँ पर है, बिंदु मेरा दोस्त, जोरदार तालियां साथ में। ज़ारा से मैं कहूँगा कि ज़ारा भी तशरीफ लाए। ज़ारा, 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 ज़ारा खान, ज़ारा खान और बिंदु, और ये हम सब साथी यहाँ पर दोस्ती में, बिंदु की दोस्ती में सब यहाँ पर इकट्ठा है दादाजी की मोहब्बत में। इस मौके पर अगर मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मोहब्बत का सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। मैं बिंदु को दूंगा माइक। Thank you, Raju Bhaiya, for being here. He was our most supportive system in Big Boss. That crazy house would have been madness if he was not there. When we were kids, everybody would say, "Tum apne kya Dara Singh samajhta hai?" So today's kids, today's generation, I don't think says that dialogue, and that's the reason that we've taken up this comic book so that you can come to know what was a superhero for real of our country. I hope people read it. There's Disney, there's Marvel, there's all big, big people, but we have our own superhero first time in India taking out Dara Singh Ji's comic. I hope you all love it, like it and support it. Thank you. I'd like to get the team who did this, Maruk Mirza Ji, Caleb and George, who's designed each and everything in that book. I thought it would take us 3 or 4 months, but it's really tough work. It took an entire year. It's not easy to make a comic, guys. Whoever makes them, hats off to them. Well done. That's Caleb, that's Maruk Mirza who wrote all the dialogues and the story, and that's George. Thank you. These guys really put their hearts and souls inside this comic. And I really appreciate each and every person, whoever draws that comic book, because I really understand it's too hard. Thank you. Book zara dikha dijiye. Hamare sabhi dost.
ये हैं हमारे दारा जी। हिंदुस्तान की शान दारा सिंह रंधावा। और जोरदार थैंक यू। बच्चे वीडियो गेम छोड़ के गए।